अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट सौरुल हसन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द फ्रेजल वर्ब ऑफ पुट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू व्हाट इज़ द फ्रेजल वर्ब। द फ्रेजल वर्ब इज सच काइंड ऑफ द वर्ब व्हेन वी इंक्लूड प्रेपोजिशन और एडवर्ब बिहाइंड एनी वर्ब टू मेक अ न्यू वर्ब। एंड यू विल अमेज टू नो दैट the phrasal verb has different meaning from the verb. So put in means interrupt in conversation or the discussions, apply, bury, enclose, fix or ingrain. So put in ka matlab hai kisi cheez ke baat mein jo hai mudakhalat karna ya apply karna kisi ke liye naukri wagaira ke liye, dafan karna, bury, enclose, attach karna, fix lagana wagaira. तो यहाँ पर जो यूजेज जो है मैंने रखे हैं कि हैव यू पुट इन फॉर डेट जॉब, क्या आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँ कि कैसे जो है एग्ज़ाम में प्रेपोजिशंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी किए जाते हैं फ्रेजल वर्ब से। तो हैव यू पुट डैश फॉर डेट जॉब, तो इनको निकाल देते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं अक्रॉस, into, on, in या at। तो अगर आपकी जो है अच्छी तरह जो है स्टडी की हुई होगी कि पुट इन की मतलब क्या है, अप्लाई, यहाँ पर अप्लाई का बात कर रहा है, तो आप जो है बगैर किसी हेजिटेशन के जो है इन को करेक्ट करोगे। यू शुड पुट द गारबेज इन अर्थ, मतलब आपको गंदगी को अर्थ में जो है दफन करना चाहिए, तो यहाँ पर बरी का सेंस दे रहा है। तो मुख्तलिफ जो है हिसाब किताब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैन यू पुट दिस कार, पुट इन दिस कार, क्या आप इस कार को जो है ठीक कर सकते हो। इट्स इंजन इज़ नॉट वर्किंग, इसका इंजन जो है ठीक से काम नहीं कर रहा। दूसरा नंबर है पुट आउट, पुट आउट का मतलब है एक्सटिंग्विश समथिंग दैट इज़ बर्निंग, मतलब कोई चीज़ जल रही हो तो उसे बुझाना। द फायरमैन विल पुट दिस ब्लेजिंग फायर आउट, तो यहाँ पर भी जो है प्रेपोजिशन के रिलेटेड जो है क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि करेक्ट द राइट वर्ड, फायरमैन विल पुट दिस ब्लेजिंग फायर, तो आउट को निकाल देंगे तो इन, आउट, एट वगैरह यूज़ करेंगे, तो इसी तरह जो है एमसीक्यूज बना सकते हैं। उसके बाद है पुट असाइड मींस सेव मनी फॉर फ्यूचर यूज़, मतलब मुस्तकबिल के लिए कुछ पैसे बचा के रखना। यू शुड पुट मनी असाइड फॉर रेनी डेज, मतलब कि मुश्किल वक्त के लिए आपको पैसे बचाने चाहिए, तो इसी तरह साइड को भी निकाल देंगे, एम सी क्यूज़ बना सकते हैं। पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब है स्टॉप होल्डिंग समथिंग एंड प्लेस इट ऑन द सरफेस और द ग्राउंड, तो राइट डाउन भी इसकी दूसरी मीनिंग हो सकती है। पुट डाउन का मतलब है नीचे रखना, राइट डाउन का मतलब है लिखना, तो राइट डाउन को भी यूज़ कर सकते हो। पुट डाउन समथिंग ऑन द पेपर, मतलब पेपर पे कुछ लिखो और पेपर पर कुछ रखो, दोनों भी मीनिंग हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस के हिसाब से। ही स्टॉप एंड पुट डाउन हिज गन। उसके बाद है पुट अप विथ, पुट अप विथ का मतलब है बेयर या टॉलरेट, मतलब बर्दाश्त करना। आई कॉन्ट पुट अप विथ योर इंसल्ट ऑन इंसल्ट, मतलब मैं आपकी बेइज्जती पर बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट है पुट अप, पुट अप का मतलब है कंस्ट्रक्ट और इरेक्ट समथिंग और बिल्ड, मतलब कोई चीज़ जो है बनाना या खड़ी करना, तो इस तरह इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। आई शैल पुट अप ग्रैंडियर पैलेस, मतलब मैं एक शानदार महल बनाऊँगा। पुट अक्रॉस, पुट अक्रॉस का मतलब है कम्युनिकेट समथिंग इफेक्टिवली और कन्वे, मतलब कोई मैसेज देना या जो है किसी से मौसर अंदाज में कम्युनिकेट बातचीत करना। आई पुट अक्रॉस योर मैसेज टू हिम, आई शैल पुट अक्रॉस योर मैसेज टू हिम, मतलब मैं आपका जो है मैसेज इसकी तरफ पहुँचाऊँगा। पुट इन टू मतलब अपॉइंट, एम्प्लॉय या ब्रिंग, द बॉस विल पुट इन टू हर न्यू सेक्रेटरी, तो यहाँ पर है अपॉइंट या एम्प्लाई करना, नौकरी पर रखना, ब्रिंग ले आना, ब्रिंग इन होगा यहाँ पर। पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब है प्लेस अ गारमेंट और पीस ऑफ ज्वेलरी, मतलब कोई ज्वेलरी वगैरह या गारमेंट कपड़े वगैरह पहनना। प्लीज़ पुट ऑन योर ड्रेस क्विकली एज इट इज़ गेटिंग लेट। पुट ऑफ
मतलब डिले या पोस्टपोन करना, तो मुलतवी करना वगैरह. माई फ्रेंड्स बॉस, यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी मैंने यूज़ नहीं की है, अपॉस्ट्रॉफी आएगी. फ्रेंड, माई फ्रेंड्स बॉस हैज़ पुट ऑफ द मीटिंग और मीटिंग अनटिल टुमारो. मेरे फ्रेंड के बॉस ने कल तक जो है मीटिंग मुलतवी कर दी है. पुट समवन ऑफ, डिस्करेज किसी को जो है डिस्करेज करना. वी शुड नॉट पुट समवन ऑफ, मतलब हमें किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहिए. पुट ओवर, कम्युनिकेट समथिंग इफेक्टिवली, मतलब किसी के साथ कोई चीज़ जो है मौसर अंदाज से कम्युनिकेट करना. ही पुट ओवर अ कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट बिजनेस डील. पुट अवे मतलब स्टोर, सेव और डिपॉजिट. अ कैमल कैन पुट अवे इट्स फूड इन हम्प. पुट इन फॉर, मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट, कोई अर्ज करना. आई पुट इन फॉर माई ट्रांसफ़र. पुट टुगेदर, क्रिएट और मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब किसी लोगों का जो है हुजूम बनाना या पैदा करना. द प्लेयर पुट टुगेदर फॉर काउंसलिंग. पुट अप टू, इनकरेज समवन टू डू समथिंग बैड, मतलब कोई बुरी चीज़ करने के लिए किसी को इनकरेज करना. सो ही पुट अप टू मी फॉर स्टीलिंग मोबाइल, मतलब मोबाइल चोरी करने के लिए इसने मुझे हमथाया. उसके बाद है पुट फॉरवर्ड. पुट फॉरवर्ड का मतलब है रिकमेंड समवन एज अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब और अ पोजिशन.